कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, आज हम आपका लेसन है ना, मित्तू एंड द येलो मैंगो। आज हम उसके छोटे छोटे तीन क्वेश्चंस हैं, उसके हम आंसर याद करेंगे और लिखेंगे। आइए चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट डिड मित्तू सी ऑन द ट्री? मित्तू ने पेड़ पर क्या देखा? व्हाट डिड मित्तू सी ऑन द ट्री? मित्तू ने पेड़ पर क्या देखा? हम सबको इसका उत्तर आता है ना, क्योंकि हम कहानी पढ़ चुके हैं। आंसर, मित्तू सॉ अ बिग येलो मैंगो ऑन द ट्री। मित्तू ने पेड़ पर एक बड़ा पीला आम देखा। एक बार फिर से क्वेश्चन, व्हाट डिड मित्तू सी ऑन द ट्री? ये ट्री में टी कैपिटल बेटा गलती से लिखा गया, आप उसको स्मॉल टी, देखो मैम ने करेक्ट कर दिया है, TREE, स्मॉल टी। ओके, सो व्हाट डिड मित्तू सी ऑन द ट्री? मित्तू ने पेड़ पर क्या देखा? मित्तू सॉ अ बिग येलो मैंगो ऑन द ट्री। मित्तू ने पेड़ पर एक बड़ा पीला आम देखा। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डिड द बिग ब्लैक क्रो से? बड़े काले कौवे ने क्या कहा? आंसर, द क्रो सेड, गो अवे, दिस इज माई ट्री। कौवे ने कहा, चले जाओ, यह मेरा पेड़ है। व्हाट डिड द बिग ब्लैक क्रो से? द क्रो सेड, गो अवे, दिस इज माई ट्री। ये सेकेंड क्वेश्चन। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डिड मित्तू सी अंडर द ट्री? मित्तू ने पेड़ के नीचे क्या देखा? आंसर, मित्तू सॉ अ रेड बलून अंडर द ट्री। मित्तू ने पेड़ के नीचे एक लाल गुब्बारा देखा। व्हाट डिड मित्तू सी अंडर द ट्री? मित्तू सॉ अ रेड बलून अंडर द ट्री। अब बेटा ये क्वेश्चंस के नीचे मैंने हिंदी आपको लिख के दी है आपके समझने के लिए, ठीक है? आपका होमवर्क क्या है, अब ध्यान से सुनो। तीनों क्वेश्चंस एंड आंसर्स वो आपको अपनी कॉपी में उतारने हैं। हिंदी नहीं उतारने, हिंदी आप लोगों को समझने के लिए मैंने लिख के दी है। ओनली थ्री क्वेश्चंस इन इंग्लिश एंड आंसर। क्वेश्चन वन, आंसर वन, क्वेश्चन टू, आंसर टू, क्वेश्चन थ्री, आंसर थ्री। हिंदी नहीं लिखनी, इंग्लिश लिखनी है। हैव अ गुड डे, ट्राई राइटिंग दीज क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड रीड देम 3 to 4 टाइम्स, आपको सारा समझ में आएगा। टेक केयर, बाय।